नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनी लिन के बारे में। रेनी लिन पर मैं पहले भी दो वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि उन वीडियो को जाकर अवश्य देखें। दोस्तों, आजकल भारत में ऐसा माहौल है कि जो भारत में रहने वाले हिंदू अपनी ही सच्चाई बताने से डर रहे हैं, वो अपने विचार खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमें शर्म करनी चाहिए कि हमारे समर्थन में कुछ विदेशी लोग आकर खड़े हो गए और वे अपनी बातें बड़ी प्रमुखता के साथ रख रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि आज के हिंदू अपने धर्म के बारे में आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। मित्रों, रेनी लिन एक अमेरिकी महिला है। वह अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में रहती हैं और यह एक सोशल एक्टिविस्ट है और यह भारत में रहकर ही वॉइस फॉर इंडिया नाम का एक मूवमेंट भी चलाती है जो हिंदुओं की आवाज़ को लगातार बुलंद करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इनके फेसबुक और ट्विटर पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं और यह हर एक मुद्दे पर अपने विचार स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से रखती रहती है और इनके विचारों से कई लोग जो खासकर हिंदू और हिंदू धर्म से नफरत करते हैं उनको ये बातें बुरी लगती है। और आज उन्होंने फिर से ऐसी बात कह दी है कि जो कई लोगों को अखर रही है। दोस्तों, उन्होंने फिर से एक सच्चाई दुनिया के सामने रखी है। उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट कर दिए जो काफी वायरल हुए। तो आइए जानते हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को मिर्ची लग गई। दोस्तों, उन्होंने पहला ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, धन्यवाद भारत और हिंदुओं, क्योंकि मेरा जीवन भारत द्वारा समृद्ध और हिंदुओं द्वारा सशक्त हुआ है। मुझे हिंदू धर्म पर बहुत गर्व है। हिंदुओं के बिना दुनिया इतनी सफल नहीं हो सकती और ना ही उनके प्राचीन ज्ञान के बिना ये दुनिया कभी उन्नत हो पाएगी। कोई भी धर्म हिंदू धर्म से अधिक प्रगतिशील नहीं है। इसके लिए आप सभी हिंदुओं का धन्यवाद। दूसरा उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं जन्म से ईसाई थी लेकिन अब मैं हिंदू हो गई हूँ। उनका कहना है कि वो हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी है। वो आगे कहती है कि मुझे यह विश्वास करना सिखाया गया कि ईसाई अन्य सभी धर्मों से श्रेष्ठ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस धर्म में मुझे बताया गया कि हिंदू धर्म सबसे बुरा है, राक्षसी है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि हिंदू धर्म और हिंदू सभी धर्मों से अधिक मानवीय हैं। मैं अपना जीवन हिंदू और हिंदुओं के बारे में सच बोलने में बिताऊंगी। मैं गर्व करती हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ। यह बात कही अमेरिका की रहने वाली शख्स रेनी लिन के बारे में जो ईसाई थी अब नहीं है। तो यह था आज का वीडियो। वीडियो के बारे में कुछ राय है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।